लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, एनडीसी का कार्य काफी अच्छे चल रहा है, बिहार में तरक्की होती दिख रही है। हमने सोचा यही बात जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात कर रहा है, नीतीश जी राधे राज्य मुलाकात में आ रहा है, मेरे यही बात हुई। आदित्य ठाकरे के पटना पहुंचने पर तेजस्वी ने खास अंदाज में स्वागत किया है। बता दें, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुंबई से पटना पहुंचे आदित्य ने शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को भविष्य की राजनीति यानी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना पहुंचने पर हवाई अड्डे पर भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आदित्य ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। उनके स्वागत के लिए उम्र कार्यकर्ताओं ने जमकर समर्थन में नारेबाजी की। बाद में आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तेजस्वी ने उनका मिथिला पेंटिंग वाली शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। दरअसल मिथिला पेंटिंग को बिहार के खास चित्रकारी कला के रूप में जाना जाता है, इसीलिए तेजस्वी ने आदित्य को मिथिला की निशानी भेंट की है। वहीं आदित्य ही अपने साथ परंपरागत महाराष्ट्र हथकरघा शॉल और शिवाजी की प्रतिमा लेकर आए थे। उन्होंने तेजस्वी को महाराष्ट्र की निशानी भेंट की है। सूत्रों के अनुसार दोनों युवा नेताओं ने राज्य और देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। इसके पहले आदित्य ने मुंबई में कहा है कि तेजस्वी यादव मेरी उम्र के हैं। जब हम यानी शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार में थे, तब से हमारी और आदित्य की फोन पर बात होती रही है। उस समय तेजस्वी बिहार में विपक्ष में थे, अब बिहार में सरकार में हैं और हम सरकार से बाहर। आज हम पहली बार मिलेंगे। हम दोनों पर्यावरण, उद्योग, जलवायु संकट सहित अच्छे काम पर चर्चा कर सकते हैं। शिवसेना उद्धव भल्ला साहब ठाकरे गुट ने एक बयान में कहा है कि आदित्य के साथ राज्यसभा सांसद अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी और पार्टी के अन्य नेता भी उनके साथ पटना पहुंचे हैं। साथ ही पार्टी की ओर से कहा गया है कि आदित्य की तेजस्वी यादव के साथ शिष्टाचार मुलाकात है। मुंबई के वर्ली से मौजूदा विधायक आदित्य ने अपने पिता के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती MVS सरकार में पर्यटन और पर्यावरण मंत्री के रूप में काम किया था। तेजस्वी से मुलाकात के बाद आदित्य और तेजस्वी एक ही गाड़ी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर गए, जहां वो CM नीतीश से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे युवा नेता हैं। और पैसे का खेल जो खेला सब लोगों ने देखा, और बिहार में जो सबक भाजपा को हम लोगों ने मिलकर के सिखाया, सब पूरा देश जानता है। हम लोगों का एकमात्र एजेंडा है कि देश में अमर आयात शांति बनी रहे, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट के जो असल मुद्दे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है आदित्य नौजवान है, सब लोगों को साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। और जो एक इनका एक्सपीरियंस हो, हमारा एक्सपीरियंस हो, चाहे इनका जो योगदान रहा महाराष्ट्र में, तो काफी कुछ जो है शेयरिंग होगी, नॉलेज शेयरिंग होगी। आदित्य को सपोर्ट करने जाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन वगैरह में। और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है तो बड़ी खुशी की बात है। आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। हृदय सम्राट की पार्टी के साथ सेकुलर पार्टी कैसे कोऑर्डिनेट करेगी? ऐसे करना सही होगा। आज जैसे आपने सुना होगा तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही थी। दो साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी, मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, नीतीश जी का कार्य काफी अच्छे चल रहा है, घर में तरक्की होती दिख रही है। हमने सोचा यही बात जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात कर रहा है, नीतीश जी राधे राज्य मुलाकात में आ रहा है, मेरे यही बात हुई।
कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई, पर्यावरण है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, और सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं, लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। हम पहले से परिवार के संबंध हो, दोनों भाई के संबंध हो, अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं, और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलते रहेगी। इसमें राजनीति मुंबई में आए और ये आना जाना भी चलते रहेगा। उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगले टाइम दो तीन दिनों के लिए यहाँ टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, वो देखने के लिए आए, और मुंबई में भी काफी मिले देश में युवाओं का जो राजनीति होगी उसका नेतृत्व कौन करेंगे, तेजस्वी करेंगे? हर बार राजनीति करना जरूरी नहीं है, काम करना हो तो कोई भी कर सकता है। तेजस्वी जी काम अच्छा कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत करते रहते हैं और आगे लंबे रेस की घोड़े हैं। मुंबई में बिहार से क्या सीखना चाहिए महाराष्ट्र को? बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने नहीं होगा ये इंश्योर करते हैं आप? जो करते हैं वो भाजपा के साथ है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। आप लोग आपके बिहारियों को पहले से बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा, विरोध होगा उनका? आप देखें तो महाराष्ट्र में सब लोग साथ में रहते हैं। पिछले दो ढाई साल में भी अगर देखें की सरकार थी, संविधान के हिसाब से चल रहे अभी चुनौती जो है संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है, और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जो लोग करेंगे।